नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर दो बड़ी सेल चल रही है, जिसमें काफ़ी सारे स्मार्टफोन के प्राइस ड्रॉप हुए हैं और मैं सभी स्मार्टफोन को ऑर्डर कर दे रहा हूं और यहां पर आपके लिए अनबॉक्सिंग कर रहा हूं, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, सैमसंग कंपनी ने अभी 10,000 रुपये से नीचे कोई भी नया स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया है, लेकिन अभी सैमसंग गैलेक्सी की एफ सीरीज में आपको एक स्मार्टफोन मिल जाता है जो कि 10,000 रुपये के नीचे आपको मिल जाएगा दोस्तों, और इसका नाम है Samsung Galaxy F13। ये स्मार्टफोन आप Flipkart से परचेज कर पाओगे 9,199 रुपए का। और दोस्तों, Amazon पर आपको Samsung Galaxy M13 नाम से यही स्मार्टफोन मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन में कुछ भी अंतर नहीं है, बस यहाँ पर नाम का फर्क है, वो M सीरीज में है और ये F सीरीज में है। वहाँ भी प्राइस बिल्कुल सेम है, 9,199 रुपए। वैसे दोस्तों, पिछले साल की सेल में तो ये कार्ड ऑफर यूज करके 8,500 रुपए की रेंज तक में मिल रहा था, लेकिन अभी इस साल ये 9,199 रुपए का मिल रहा है। बाकी बॉक्स पैकिंग को देखें तो व्हाइट कलर का ये बॉक्स है, जिस पर आपको मोबाइल का डिजाइन देखने को मिल जाता है। मॉडल नेम, कंपनी नेम मेंशन है। बैक साइड में हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिन्हें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहां पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस बॉक्स को करते हैं ओपन। और जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है। इसे तो रखते हैं फिलहाल साइड में, और अंदर आपको सबसे पहले एक बॉक्स के ऊपर की साइड एक मिनी बॉक्स चले जाता है, और इसके अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन लगी हुई है। और यहां पर आपको एक चार्जर अडैप्टर दिया गया है जो कि 15 वोल्ट का है। और यूएसबी केबल देखें तो इसमें आपको टाइप सी यूएसबी केबल मिलती है, लेकिन केबल की जो लेंथ है वो काफी शॉर्ट रखी गई है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देनी चाहिए थी कंपनी को। आते हैं हम डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। सबसे पहले इसे हम रैपर से आजाद कर लेते हैं और ये निकल के आ गया जी स्मार्टफोन। फ्रंट लुक देखिए दोस्तों, इस पर कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड नहीं मिलता है। ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है स्मार्टफोन। इन एनफील्ड ये स्मार्टफोन हाथ में बहुत ही ज़्यादा भारी और बड़ा लगता है दोस्तों। 207 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। 6000 एमएच की बैटरी इस पर लगी हुई है। इसके अलावा इसका बैक पैनल देखें तो प्लास्टिक बॉडी मिलती है और कॉर्नर इसके राउंडेड है। इस पर आपको रेजेस मिलेंगे, इन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप भी अच्छी बन जाती है, नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग। कैमरा मॉड्यूल को देखिए दोस्तों, एक लाइन में आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाते हैं LED फ्लैशलाइट। यहां पर जो मेन कैमरा है वो आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा दिया गया है। फ्रंट में जो ड्रॉप नॉच है इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कॉर्नर इसके सभी जगहों से आपको राउंडेड ही मिलते हैं, जहां राइट साइड में मिलेगी आपको पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर भी पावर ऑन की पर अटैच मिलता है। ऊपर की साइड आपको दिया गया है एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, इसे ओपन करने पर हमें में मिल जाता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट, 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकते हैं। बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल को तो हमने ऑलरेडी बूट करके रखा हुआ है, अब इसकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर लेते हैं। और 100% ब्राइटनेस के बाद आपको डिस्प्ले कुछ ऐसी नजर आएगी, जिसमें आपको काफी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले में ब्राइटनेस मुझे ठीक ठाक लग रही है। वैसे तो दोस्तों, इसमें ओनली 480 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर अगर आप यूज़ करते हो तो कड़ी धूप में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इंडोर आप इजीली इस फोन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आइकन आपको नज़र आ रहे होंगे, एज और बेजल जो हैं वो कॉर्नर और ऊपर से तो पतले दिए गए हैं, लेकिन नीचे चिन थोड़ी ज़्यादा मिलती है। बाकी स्क्रॉल अप करते ही सारे के सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दिए गए हैं, इनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। इसमें आपको ओनली 60 हर्ट्ज़ का ही रिफ्रेश रेट मिलता है। आज की डेट में तो 90 हर्ट्ज़ भी कॉमन हो गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कम रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलता है। टच स्मूथ लग रहा है, और यहाँ पर जो डिस्प्ले मिलती है वो आपको इसमें PLS LCD के पैनल के साथ मिलती है, 6.6 इंच की फुल HD प्लस। एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2408 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 400 PPI की इसमें दी गई है। इसके अलावा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको इसकी डिस्प्ले में मिल जाता है। मोबाइल की जो हाइट है 165.4 mm है, 76.9 mm इसकी विड्थ है और 9.3 mm की इसकी थिकनेस है, यानी कि मोबाइल काफी मोटा है दोस्तों, 207 ग्राम का। इसके बाद हम अब इसकी सेटिंग जो है इसे ओपन करते हैं, तो सेटिंग का जो इंटरफेस है वो कुछ आपके सामने ऐसा खुलेगा, जहां सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएं तो अबाउट फोन सेक्शन हमें नजर आता है, इसे ओपन करें तो मॉडल नेम मेंशन है और यहां पर IMEI नंबर मेंशन किए गए हैं। हम चलते हैं सीधे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के अंदर, तो वन UI कोर वर्जन 5.1 दिया गया है। एंड्रॉयड 13 के साथ आता है ये स्मार्टफोन, जिसमें आपको
मिलेगा 2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें सैमसंग का खुद का दिया गया है, सैमसंग एक्सिनोस 850 का, जो बेस्ड है 8nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं, 4GB रैम मिलती है LPDDR4X की, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1TB तक आप इसमें बढ़ा पाओगे और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दिया गया है। अब दोस्तों इसका कैमरा ओपन करके देखते हैं, जो भी परमिशन मांगे अलाउ कर दीजिए ताकि हमारा कैमरा अच्छे से ओपन हो जाए। तो कैमरा क्लैरिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, 50MP का कैमरा है दोस्तों, कलर्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं इसकी कैमरा से। बाकी जो जूमिंग आपको मिलती है 10x तक की मिलती है और जूम इनके साथ साथ आप इसमें जूम आउट भी कर सकते हैं। जूम आउट करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना एरिया इसने और कैप्चर कर लिया है। ये फायदा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का होता है दोस्तों, और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की क्लैरिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा कैमरा के अदर फीचर्स में आप इसमें पोर्ट्रेट मोड में फोटो ले सकते हैं, वीडियो मोड में आप ओनली 1080p में 30fps या फिर 720p में 30fps में ही वीडियो शूट कर पाओगे। मोड सेटिंग में आपको ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसमें ओनली आपको प्रो मोड, पैनोरमा और फूड मोड ही दिया गया है। बाकी दोस्तों इसमें ना ही टाइमलेस मिलता है ना ही स्लो मोशन दिया गया है, तो कैमरा फीचर्स बहुत कम इसमें आपको मिलते हैं। 9,199 रुपए की कीमत में आने वाला स्मार्टफोन, हालांकि दोस्तों कोई कार्ड ऑफर इस पर नहीं दिया गया है। अगर आपके पास सैमसंग एक्सिस बैंक का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, तो आपको 10% का डिस्काउंट तभी मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई अदर कार्ड इस पर ऑफर नहीं दे रहा है। तो 9,199 रुपए में क्या इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपका पैसा वेस्ट जाएगा। दोस्तों आप ये ना सोचें कि इसमें आपको फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिल रही है, बैटरी 6000mAh की मिल रही है। आजकल अगर कंपेयर करो तो अदर कंपनी के स्मार्टफोन जो है वो इससे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो ये स्मार्टफोन 8,500 रुपए से नीचे अगर आपको मिलता है तभी परचेज कीजिए, 8 तारीख से सेल आने वाली है, वैसे देखते हैं और प्राइस नीचे होता है तभी परचेज करने लायक है ये स्मार्टफोन, वरना 9,200 रुपए आपके बेस्ट जाएंगे। दोस्तों ये फोन में दिक्कत आता है, लैगिंग इशू, हीटिंग इशू, बैटरी 6000mAh की होने के बावजूद भी इतनी लंबी नहीं चलती है, और आप इसमें अगर बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हो, एक साथ मल्टीटास्किंग करते हो, तो फोन काफी ज्यादा लैग होने लगता है। दोस्तों काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन में, अपडेट आने के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूं। दोस्तों आप ये ना सोचे कि आपने ट्राई किया है, मैं मोबाइल को सेल भी करता हूं दोस्तों, और कस्टमर जो कंप्लेन लेके आते हैं उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा, कौन सा घटिया रहेगा। कस्टमर की जो कंप्लेन रहती है ज्यादातर इसकी हैंग प्रॉब्लम की, बैटरी इशू है इसमें, और साथ ही साथ फोन काफी स्लो हो जाता है अगर आप इसमें काफी सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, गेम्स इंस्टॉल कर लेते हो, तो गेम्स तो वैसे चल जाते हैं। वैसे डिस्प्ले क्लैरिटी भी अच्छी है, PLS LCD का पैनल दिया है, कैमरा क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। तो कंपनी को सीधे सीधे इसका प्राइस ही ड्रॉप कर देना चाहिए तभी ये खरीदने लायक है दोस्तों, नहीं तो आज की डेट में तो कई सारे ऑप्शन आपके पास पड़े हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।